नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा ग्रुप नारनौल हरियाणा से। आज मैं आपको बताऊंगा घुटनों के दर्द में मोटापा कैसे घटाएं, बैठे बैठे व्यायाम कैसे करें। अगर आपको मोटापा घटाना है तो बैठे बैठे भी आप घटा सकते हैं, जो आज हम सारे एक साथ मिलकर करेंगे, आप भी हमारे साथ करेंगे। पैर खोल लीजिए अपने और करें मेरे साथ शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
सांस भरते हुए ऊपर और सांस खाली करते हुए आगे झुक जाएंगे। जिनकी कमर में दर्द वो ना करे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तीनों उधर आ जा चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास। अब कमर आगे झुकी रहेगी तो कमर को थोड़ा पीछे रिलैक्स कर लेंगे। पीछे वाला अभ्यास ऐसे करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। नेक्स्ट करेंगे अब चक्की चालन क्रिया। दोनों हाथ सीधे, पंजों के आगे से, घुटनों के पीछे से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह
बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस एंटी क्लॉकवाइज छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अगला करेंगे नौका चलाने वाला अभ्यास। जैसे हम नौका चलाते हैं झील में, पतवार चलाते हैं, तो इस प्रकार से कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। कमर दर्द वाले, आगे झुकने वाले कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे। ये भी 50 बार करेंगे, 25 बार क्लॉकवाइज और 25 बार एंटी क्लॉकवाइज। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस एंटी क्लॉकवाइज छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास। रिलैक्स हो जाइए। अगर आपकी कमर दुखने लगे तो लंबी गहरी सांस ऐसे भर ले। नेक्स्ट, अब रस्सी खींचेंगे, कमर बिल्कुल सीधी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास। नेक्स्ट, अब दूध बिलाने वाली क्रिया करेंगे। जैसे दूध बिलोते थे पहले, करो शुरू। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब आराम से बैठ जाइए आलती पालती मार के। अब साइड की चर्बी कम करने के लिए करेंगे, शुरू करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। नेक्स्ट करेंगे अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब हाथों की दशा की उंगली जमीन पे टिका देंगे, यानी कि दोनों हाथ जमीन पे ऐसे टिका देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। रिलैक्स हो जाइए, पैर खोल के पैरों को अपना हिला लीजिए और लंबी गहरी सांस भर लें। जब भी आप व्यायाम करें, सांस फूलने लगे, तो लंबी गहरी सांस भर लिया करो और ऐसे हाथ पीछे लगा के आराम से रिलैक्स हो जाओ। व्यायाम भी ज़रूरी है और आराम भी ज़रूरी है। बीच में थक जाए तो आप बीच में भी आराम कर सकते हैं, लंबी गहरी सांस भर सकते हैं और पैरों को ऐसे हिला सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप मोटापा घटाने चाहते हैं तो ये क्लास को फॉलो कर ले, बैठे बैठे आप कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कौन कहता है कि भाई चलने से ही वेट कम होगा। अगर आप बैठे बैठे भी ऐसी एक्सरसाइज कर लोगे जो हमने की है, 50-50 बार सारे अभ्यास किए हैं, तो घूमने की ज़रूरत नहीं है। विशेषकर जिनके घुटनों में दर्द है
वो बिल्कुल भी ना घूमे। अगर घूमोगे तो घुटने आपके ख़राब हो जाएंगे। तो आप बैठ के एक्सरसाइज कर लीजिए, बैठ के प्राणायाम कर लीजिए, बैठ के ऐसे अभ्यास कर लीजिए, हाथों के अभ्यास कर लीजिए, कंधों के अभ्यास कर लीजिए, तो बहुत सारे अभ्यास हैं। तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे सदस्य बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक हमारा जो ग्रुप है, ये दिखाइए, एडवांस योगा ग्रुप है, जो निःशुल्क योग शिविर चलाता है नारनौल शहर में सुभाष पार्क में। अगर कोई आसपास के हैं तो आप इस योग शिविर में आ सकते हैं, निःशुल्क है, सुबह 5:30 से सुबह 6:30 बजे तक। तो आप अड़ोस पड़ोस के जहाँ के भी हो, बीमारी से संबंधित योग बताए जाएंगे और रोज़ाना मोटापा घटाने वाला है। मैं तो कहता हूँ कि 1 घंटा सभी को योग करना चाहिए। 1 घंटा जो योग करेगा वो फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तभी तो कहते हैं करो योग रहो निरोग। तो इसका यही मतलब है, सुबह सुबह अपना 1 घंटा समय निकाल के योग के लिए ज़रूर निकालिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। ऐसे हमसे जुड़े रहिए और मेरे सदस्य बनना चाहते हैं, हमारे ग्रुप के सदस्य बनना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को लगे कि योग ज़रूरी है, योग के कितने फ़ायदे हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।